दोस्तों आज की डेट में हर जगह आपको नथिंग 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 ही सुनने को मिल रहा है, बिकॉज इस फोन की इतनी हाइप बन चुकी है, समझ के बाहर इस हाइप को संभाला कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको पता है फ्लिपकार्ट पे धीरे धीरे इस फोन से पर्दा उठाया गया, फिर क्या हुआ, कितने पब्लिशर ने पब्लिश कर दिया कि यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन वन प्रोसेसर, जिससे इस फोन की हाइप और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि साथ में ये भी लिखा गया जो इसकी परफॉर्मेंस होगी वो 8 जनरेशन वन के बराबर की आपको मिलने वाली है, वो भी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर। अब आप खुद बताओ, अगर आपको सस्ते में कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा तो उसकी हाइप क्यों नहीं बनेगी मार्केट में, जरूर बनेगी। फिर बोला गया यहाँ पर आपको नथिंग का खुद का यूआई मिलेगा जो कि नेक्स्ट लेवल होगा, बट क्या ऐसा हुआ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिन से नथिंग यूआई, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला जो हमें और कोई नहीं दे रहा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे यूज़ करने में इसको। नथिंग फोन वन का हल्ला ये भी मचा हुआ है कि यहाँ पर आपको मिलने वाली है ट्रांसपेरेंट बैक, जो कि होगी दिखने में बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल, बट मुझे लगता है कि जो इस तरह की बैक रहती है ना, वो स्टार्टिंग में तो देखने में अच्छी लगती है, पर कुछ टाइम तक जब हम फोन को यूज़ करते हैं तब हम बोर हो जाते हैं, हमें उतना मज़ा नहीं आता, हमें लगता है कि कोई क्लीन बैक होनी चाहिए थी। अच्छा है यहाँ पर कुछ यूनिक मिल रहा है हमें नथिंग की तरफ से, बट देखना है मार्केट में ये कितना सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज जो प्राइसिंग इसकी निकल के आ रही है सामने उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या है बताता हूँ अभी आपको, वीडियो को एंड तक देखते रहिए आप, कुछ अंदर की बात है ये जिसको सुनकर आपको एक झटका सा लगने वाला है। अब जो हाइप का सिलसिला है वो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ अभी, इसकी प्रीबुकिंग को लेकर कितना हल्ला मचा है वो आप सब जानते ही होंगे। क्या किया गया, जैसे आपको बताया वन प्लस जब स्टार्टिंग में आया था वहां पर चला था इनवाइट सिस्टम, जिसके पास इनवाइट है वही वन प्लस का फोन बाय कर पाएगा। अब यहाँ पर भी उन्होंने पास सिस्टम रख दिया, 1 लाख का पास इसका फ्लिपकार्ट में मिल रहा था, अगर आपको आपको पहले फोन को प्रीबुक करना है तो 1 लाख का पास आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास पास है वो इसे 2000 में प्रीबुक कर सकते हैं। अब आप खुद बताओ ये क्या सेंस बनती है, 1 लाख का पास इस फोन के लिए जिसकी वैल्यू इससे कई गुना कम है, इसके चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग कितनी हुई है यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के पास जो पास आए थे उन्होंने कितने ज्यादा प्राइस पे उसको बेचा है, क्योंकि हाइप इतनी थी, सबको चुल थी कि हमें ये फोन पहले प्रीबुक करना ही करना है, चाहे वो 2000, 4000, 5000 जितने भी प्रीबुक हो जाए। तो मुझे लगता है ऐसी चुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे में क्या होता है ना, हमारा खुद का लॉस हो जाता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे अगर हम इंतजार करते तब इन्होंने क्या किया, जब इनकी प्रीबुकिंग का लास्ट डे था तो सबके लिए इसको ओपन कर दिया, सभी से 2000 रुपये में भी बुक कर सकते हैं बिना पास के भी, सबको वहाँ पर पास भेज दिया गया। तो अब खुद बताओ आप, जिन्होंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देके पास खरीदा था उनका क्या होगा, क्या उन्हें नथिंग की तरफ से रिफंड मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी यहाँ पर गलती नहीं है, उनकी गलती है कि उन्होंने इसकी हाइप इतनी बना दिया कि लोगों के माइंड में एक चीज बैठ गई है, इससे बेटर फोन हमें मिल ही नहीं सकता मार्केट में, बट क्या ऐसा है। अब आते हैं इसके यूआई के ऊपर, मैं इसका यूआई पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा था, जब से ये लॉन्च हुआ था ना तब से मैं चेक कर रहा था इसका यूआई परफॉर्म कैसा कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये आप क्लोजअप देखो इसका, दिखने में आपको लगेगा कि जबरदस्त लग रहा है, ये बस वॉलपेपर लगा रखा है और कुछ नहीं है, या आप अपने किसी भी फोन में लगाएंगे ना तब आपको यही वाली फील आ जाएगी अपने फोन के ऊपर, बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है वही होगा जैसे वन प्लस का था ना ऑक्सीजन ओएस, थोड़ा क्लीन इंटरफेस था, वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको फोन में देख के पता नहीं चलेगा कि इसका यूआई कैसा है कैसा नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ आपको। पहले करते हैं एक और बात जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, देखो स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 का हल्ला मचा था पूरी तरह से कि यहाँ पर आपको मिलेगा, बट इस फोन में क्या निकला, स्नैपड्रैगन 778G प्लस, जो हमें 25-30 के बीच में आराम से मिल रहा है आज की डेट में। जबकि होता है कि जब भी कोई नया ब्रांड अपना फोन लॉन्च करता है वो कुछ ऐसा लाते हैं फोन में जो और कोई हमें नहीं दे रहा उस प्राइस पे। अब आप खुद बताओ मुझे, हम मोटो S30 में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं 778G प्लस, तो यहाँ पर हमें नया क्या मिला, OIS मिल रहा है वो भी और सब दे रहे हैं हमें, हाई रिफ्रेश रेट है वो भी मिल रहा है हमें और स्मार्टफोन में, OLED डिस्प्ले है वो भी कुछ नया नहीं है यहाँ पर। हाँ फोन की डिजाइन और बिल्ड अच्छी है, वो नया लुक है फोन का, ये मैं मानता हूँ। अब देखना होगा फोन जब हाथ में आता है तो यहाँ पर हमें क्या ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखकर मैं कह सकूं जी हाँ ये एक ऐसा फोन है जिसका हम वेट कर रहे थे, और मैं ये कह सकूं कि जो हाइप क्रिएट की गई थी इस फोन की वो हाइप ये फोन डिजर्व कर रहा है, ये हमें पता चलेगा फोन जब हाथ में आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या दिखा रहा हूँ, फोन हाथ में नहीं है तो Realme 9 Pro Plus है, इसमें मैंने डाला हुआ नथिंग लॉन्चर टेस्ट करने के लिए, तो ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना, नथिंग लॉन्चर है आप भी ला सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में। फिलहाल अभी जब नथिंग फोन वन हाथ में आएगा और हम बात करेंगे उसके बारे में कि कैमरा उसका कहाँ स्टैंड कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है फोन में, या फिर उसमें जो वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आती है, और लाइटें ऐसी डाली गई हैं फोन में कि दिवाली में आपको अलग लाइटें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नथिंग फोन वन है तो आपका घर चमक जाएगा। आपसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये फोन आपको मिलेगा बजट में, मतलब कि 25-20 के बीच में आपको मिल जाएगा नथिंग फोन वन, बट अब ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लीक सामने निकल के आ चुके हैं कि इस फोन में जो है स्नैपड्रैगन 778G प्लस वो आपको मिलेगा 30-35 के आसपास की रेंज में,
30 में मिल गया तो आप सरप्राइज हो जाना, लेकिन 35 तक भी जा सकता है इस फोन का प्राइस। अब आप खुद बताओ मुझे, 35,000 या 30,000 स्नैपड्रैगन 700G प्लस के लिए क्या आप पे करेंगे, बताना मुझे कमेंट्स में। और नथिंग जैसे कि अभी न्यू ब्रांड है इंडियन मार्केट के लिए, तो मुझे लगता है नथिंग को अभी थोड़ा प्राइसिंग को सोच समझ के रखना चाहिए फोन की, मतलब इसे पहले बजट में फोन लाना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था फ्लैगशिप लेवल पर। नथिंग ने सीधा छलांग मार दी 30-35 हज़ार की रेंज में, जो थोड़ा मुझे गलत लगा। जो वन प्लस के पहले CEO थे वो अब आए हैं नथिंग को हैंडल कर रहे हैं। अब उम्मीद तो ये है, जैसे वन प्लस की पहले हाइप बनी थी ना, अब तो वन प्लस की हाइप कोई नहीं है, अब ना ही हमें वैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, अब वो चीज़ शायद नथिंग के साथ कुछ टाइम तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा इसको लेकर, बिकॉज आज की डेट में किसी चीज़ को पहले जज करना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि हम सोचते कुछ है निकलता कुछ और ही है। जैसे हमने सोचा था 25,000 में मिल जाएगा आपको ये फ़ोन, बट क्या निकल गया आ रहा है 30-35 हज़ार के आसपास। बाकी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी इस तरह से हाइप बनाई जाती है वो एक फेक हाइप होती है। कुछ तो हाइप ये ब्रांड ही बना देते हैं और कुछ हाइप बन जाती है कुछ वीडियोस की वजह से। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई, न्यूज बताई है आपको कि यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 7th generation 1 प्रोसेसर। पहले क्या होता है, हर जगह पे फैला दिया जाता है कि ये प्रोसेसर मिलेगा, जो कि सस्ते में मिलना पॉसिबल नहीं रहता, फिर हमें कोई और प्रोसेसर दे दिया जाता है। तो आपको इस फेक हाइप से बच के रहना है हमेशा से ही, डोंट गो विद हाइप, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर आपको कोई फोन लेना है तो वेट करो, फोन लॉन्च होने तो ढंग से, फिर आप देखो क्या है क्या नहीं है। अब प्री बुक मैंने भी करवा रखा नथिंग 41, देखते हैं कब मेरे हाथ में आता है, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि ये फोन अपने प्राइस सेगमेंट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। बट यहाँ पर भाई साहब हाई पैसी बन गई है, सबको लग रहा है कि ये फ्लैगशिप फोन ही में मिल रहा है 30-35 हज़ार में, वो भी एक नए ब्रांड का फोन। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, क्या अपडेट होगा, क्या नहीं होगा, मतलब यार सब कुछ समझ के बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स। आप बताना मुझे कमेंट्स में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नथिंग फोन 1 के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।